गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 5, आवर फूड एंड इट्स डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए है। दे प्रोवाइड एनर्जी दैट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी वार्म। यानी कि वो क्या करता है, दे प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी उसके लिए, बॉडी के लिए। That help to keep our body warm, जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। शुगर एंड स्टार्च आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च जो हैं वो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। सभी फ्रूट्स में शुगर प्रेजेंट होती है। स्टार्च इज प्रेजेंट। स्टार्च किस किस चीज में प्रेजेंट होता है? इन राइस, राइस में, चावल में होता है स्टार्च, व्हीट में होता है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो में आलू में और शकरकंदी में भी होता है जो स्टार्च होता है। लुक हियर, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस खाने में होता है? बनाना में, पोटैटो, आलू में, राइस, चावल, ब्रेड, हनी, स्वीट पोटैटो। इन सब चीज़ों में क्या होता है, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है इन सब चीजों के अंदर। प्रोटीन्स, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये सब क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। दे हेल्प इन ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन धीरे धीरे बड़े होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स। प्रोटीन्स जो हेल्प करता है किस चीज़ में करता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर, जो फूड प्रोटीन से रिच होता है वो कौन कौन सा होता है? मिल्क, चीज, एग्स, फिश, दाल एंड चिकन, ये सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती है। फैट्स, फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप अवर बॉडी स्किन स्मूथ। एग्जाम्पल, ऑयल, घी, बटर एंड नट्स। यानी कि दे ऑल्सो हेल्प, ये हमारी हेल्प करते हैं टू कीप अवर स्किन, हमारी स्किन को स्मूथ रखने में, चिकना बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, जैसे कि ऑयल, घी, बटर, मक्खन हो गया एंड नट्स। इन सब चीज़ों में, नट्स में, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, इन सब में क्या होता है, ऑयल होता है। एक्स्ट्रा फैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स जो है स्टोर कर ली जाती है एंड इंसुलेटेड आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड वेदर, और हमारे जो कोल्ड वेदर होता है उसमें वो सेव करके रखता है, हमारी बॉडी के लिए यूज होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स, जबकि हमारी मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड्स आर मेट बाय द कार्बोहाइड्रेट्स वी हीट। यानी कि ईट, जो कि हम कार्बो, हमारे को मोस्टली जो एनर्जी मिलती है किस चीज़ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लुक हियर, बटर, ऑयल, नट्स, घी आर द मेन सोर्स ऑफ फैट्स। विटामिन्स कीप अवर बॉडी हेल्दी। विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। अवर बॉडी नीड्स मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि अवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को जो जरूरत होती है मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स, अलग अलग तरह के विटामिन्स की जरूरत होती है इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। दे हेल्प अवर बॉडी इन मैनी वेज, जो कि हमारी बॉडी की हेल्प करती है कई तरीके से। फूड रिच इन विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आई डिजीजेज। जो फूड जिसके अंदर विटामिन होता है वो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, आई डिजीज, आंखों की बीमारी से, स्किन की बीमारी से, स्किन डिजीज, बॉडी एक्सेट्रा, यानी कि बॉडी के दर्द से भी प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज वाई विटामिन आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, इसलिए विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। वी गेट विटामिन बाय, किस किस चीज से मिलता है विटामिन बाय? ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी जो ग्रीन पत्तियों वाली वेजिटेबल्स होती है उनसे मिलता है विटामिन, फ्रूट से, सीरियल्स, अनाज से मिलता है, चिकन, एग्स एंड मिल्क्स एक्सेट्रा, यानी कि इन सब चीजों से हमें विटामिन मिलता है। ओके चिल्ड्रन, लर्न चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑल वर्क फॉर द एग्जाम। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।